हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक इनडेफिनेट इंटीग्रल की, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की एक ट्रिकी प्रॉब्लम। ये है हमारी आज की प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5 dx। एंड द ट्रिक इज कि सबसे पहले हम इसमें से एक्स टू द पावर 4 कॉमन निकालेंगे। देखने से ऐसा लगता है कि एक्स टू द पावर 4 कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स टू द पावर 4 जब हम कॉमन लेंगे तो x टू द पावर 4 टू द पावर 1 बाई 4, तो जो कॉमन आएगा दैट विल बी x, और अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब टू द पावर 1 बाई 4 डिवाइडेड बाय, और ये होगा x टू द पावर 5 dx। नाउ दिस विल बिकम, ये है x और नीचे है x टू द पावर 1 बाई x टू द पावर 5, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन x टू द पावर 4 एंड दिस इज 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब टू द पावर 1 बाई 4 डीएक्स। और जो सेकंड ट्रिक है वो ये है कि 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ज्यादा अच्छा ये है कि हम टी टू द पावर 4 सब्स्टिट्यूट करें कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि पावर 1 बाई 4 है वो फ्रैक्शन पावर खत्म हो जाएगी हमारी। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू टी टू द पावर 4, डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 क्योंकि माइनस पहले से बाहर है हमारे पास, अपॉन एक्स टू द पावर 4 डीएक्स इक्वल टू 4 टी क्यूब डीटी, ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डीएक्स, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डीएक्स, ये 3 नीचे आएगा तो 4 बाई 3 कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, 4 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डीएक्स, ये टी क्यूब डीटी बनेगा, दिस विल बिकम टी क्यूब डीटी, टी क्यूब डीटी, और 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू है टी टू द पावर 4, तो दिस विल बिकम टी टू द पावर 4 टू द पावर 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी डी टी, दिस विल बी 4 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 डी टी, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा 4 बाई 3 इंटू टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, एंड दिस विल बी 4 बाई 15, और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 1 बाई 4, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 5 बाई 4 प्लस सी। ये है आज की प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 डीएक्स। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।